करीब 500 वर्ष की दीर्घ प्रतीक्षा के बाद वह क्षण आ ही गया जब श्री राम की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का पवित्र अनुष्ठान आरंभ हुआ है। अयोध्या के मंदिरों, भवनों, घर, दुकानों पर केसरिया पताकाएं फहरा रही है। कोई कोना नहीं है जहां राम नाम का जाप और वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई ना दे रही हो। अयोध्या क्षेत्र में जो जहां भी था सबका ध्यान यही था। सब रामलला के दर्शन हेतु शेष दिन अंगुलियों पर गिन रहे थे। मंदिर निर्माण के संघर्ष में सहभागी रहे अवध के लाखों परिवारों में जैसे जीवन का सबसे शुभ समाचार आ ही गया। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त का क्षण 84 सेकंड का है जो 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। अब बात करते हैं प्राण प्रतिष्ठा की, तो वीडियो को एंड तक देखना न भूलें। नए मंदिर में मूर्ति स्थापना पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाना आवश्यक होता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। बिना इसके मूर्ति पत्थर की आकृति मात्र ही रहती है। इस अनुष्ठान के लिए शुभ मुहूर्त का होना जरूरी है। शुभ मुहूर्त में की गई प्राण प्रतिष्ठा ही फलकारी होती है और कहा जाता है कि देव साक्षात उस मूर्ति में निवास करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवी या देवता की अलौकिक शक्तियों का आवाहन किया जाता है जिससे कि वह मूर्ति में आकर प्रतिष्ठित यानी विराजमान हो जाते हैं। इसके बाद वो मूर्ति जीवांत भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो जाती है।